सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल विन एप मूवीज अपडेट। तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्राइम एंड रेज मूवी को। दोस्तों अगर आपने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जिसके लास्ट सीन में हमने देखा था कि वो बिगफुट एशली और मैक्स को ले जा रहा था। तो अब वो मैक्स को वहां पर छोड़कर बीडी और एशली को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ डेप्यूटी के साथ कहीं पर आया होता है, क्योंकि यहाँ पर एक औरत को कैंसर होता है जिसकी वजह से ये सभी उसके लिए रात को एक सेरेमनी करने वाले थे। हालांकि शेरिफ यहाँ पर डेप्यूटी के कहने पर आया था, वरना उसका यहाँ पर आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर जंगल में मैक्स जो अब भी जख्मी हालत में पड़ा होता है, वहां पर अचानक से एक रहस्यमय औरत आती है जो कि देखने में किसी चुड़ैल से कम नहीं होती। जब उसे इस बात का पता चलता है कि मैक्स अब भी जिंदा है तब वो उसे अपने साथ ले जाती है। इसका घर जंगल के ही एक सुनसान इलाके में होता है और जैसा कि चुड़ैलों के घरों में होता है, ये घर बिल्कुल वैसा ही होता है। इसमें हड्डियां, मकड़ियां और तरह तरह की जानवरों को वो कांच के जार में रखा होता है। वो किसी टोटके की मदद से मैक्स का इलाज करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले मैक्स की सारी गोलियां निकाल देती है और एक अजीब सा पदार्थ खाकर मैक्स पर थूक देती है, जो एक बहुत अजीब तरह का सलाइवा बन जाता है जो वो मैक्स के घावों पर लगा देती है। फिर वो उसके घावों को सील देती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जब एशली को होश आता है तो वो अपने आप को बिगफुट की गुफा में पाती है। साथ ही बीडी उसके बगल में ही लेटा हुआ मिलता है। वहां पर कई सारे कंकालों के अलावा बीडी के टीम के लोग भी होते हैं। तभी वहां पर बिगफुट वापस आ जाता है। वो बीडी को एक बड़े चाकू की मदद से बहुत बुरी तरह से मार डालता है और उसके शरीर के अंगों को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो सीधा एशली की तरफ जाता है। और अब यहाँ पर वो होता है जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो बिगफुट एशली का रेप कर देता है। दूसरी तरफ शेरिफ उस सेरेमनी में बैठ जाता है जिसमें सभी बारी बारी से एक खास तरह का पोर्शन पीते हैं। शेरिफ को भी ये पीना पड़ता है और वो लोग अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार गाना और तबला बजाना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद उस अजीब तरह के तरल पीने के बाद शेरिफ के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। उसे अलग अलग तरह के विजन्स आने लगते हैं। उसे डेप्यूटी का चेहरा डरावना लगता है और अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। साथ ही कुछ लोग जो अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहे थे, तब उनमें से एक उसे बिगफुट की तरह दिखाई देने लगता है। उसके बाद उसे और अजीब सा फील होने लगता है जब उनमें से एक आदमी जो इस सेरेमनी को परफॉर्म कर रहा था, उस औरत को जिसे कैंसर होता है, उसे लेटाकर उसके पेट से कैंसर को बाहर निकाल देता है। हैरत की बात ये थी कि उस औरत को किसी भी तरह का दर्द नहीं होता, लेकिन अब शेरिफ हार मान जाता है। उसे बहुत बुरी तरह से पसीना आने लगता है और वो थक हार कर वहां से बाहर आ जाता है। अब जंगल में जब अगले दिन मैक्स को होश आता है तब उसके सामने शेरिफ बैठा हुआ मिलता है। मैक्स उससे एशली के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिसके बाद हमें इस मूवी की असली स्टोरी के बारे में पता चलता है। शेरिफ उसे बताता है कि हमारे जंगलों में आज भी एक दानव रहता है जिसे हम बिगफुट या उमा के नाम से जानते हैं, पर असल में ये बिगफुट और कोई नहीं बल्कि हमारी ही जनजाति के प्राचीन मुखिया हैं, जो कभी हमारे लीडर्स थे, जिनके मरने के बाद उनकी स्पिरिट्स बिगफुट के रूप में यहाँ पर आ गई है। ये तब से हमारे बीच रह रहे हैं जितनी इनकी जनजाति पुरानी है, यानी कि बिगफुट कई सौ सालों से इसी जंगल में रहते आ रहे हैं। इसीलिए वो प्राचीन समय के हथियारों को इतनी अच्छी तरीके से चला पाता था। साथ ही आग जला लेना, नेचर के बीच इस तरह से छुप लेना उसे आता था, क्योंकि असल में वो हमारे ट्राइब के एंशियंट लीडर्स के स्पिरिट्स हैं। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस औरत ने तुम्हें बचाया था उस औरत ने बिगफुट को कई बार देखा है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि बिगफुट ने तुम्हारी वाइफ को उठाया है। इसके अलावा बिगफुट अब घायल भी है, उसके शोल्डर पर एक गोली लग चुकी है। अब ये दोनों जंगल जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि मैक्स को अपनी वाइफ को बचाना था और शेरिफ को इस बिगफुट को मारना था, क्योंकि इससे अच्छा मौका इन्हें कभी भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि बिगफुट अब घायल है जिस वजह से उसे हराना भी आसान होगा। अब क्योंकि बिगफुट इंसानों की मैक और बारूद की मैक को दूर से ही पहचान लेता था, जिस कारण उसे इनके आने के बारे में पहले ही पता चल जाएगा, इसीलिए दोनों गन ले जाने के बजाय पुराने समय के हथियार ले जाना बेहतर समझते हैं। साथ ही वो उस घर में रख के एक अजीब तरह के लोशन को अपने पूरे शरीर पर लगा लेते हैं, ताकि इसकी वजह से बिगफुट को इनके शरीर की गंध ना सके। पर जाते जाते शेरिफ अपने साथ एक गन को ले लेता है, इस उम्मीद में क्या पता वो इनके काम आ जाए। अब दोनों बिगफुट से लड़ने जंगल की तरफ जाने लगते हैं, तभी पीछे से वही औरत ड्रम पीटकर उनका हौसला बढ़ाती है, ताकि वो बिगफुट से लड़ने वाली लड़ाई में जीत जाए। यहाँ पर पूरी मूवी में हमें इस औरत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता कि आखिर ये कौन है और टाउन के लोगों से इसका क्या लेना देना है।
वहीं दूसरी तरफ हम एशले को देखते हैं जो अभी भी उसकी कैद में होती है। बिगफुट उसे वहाँ पर मरे हुए इंसानों का मांस खिलाता है और मजबूरन एशले को वो खाना भी पड़ता है, लेकिन वो चुपके से एक बोन को अपने मुंह में छुपा लेती है और धीरे धीरे उसे पत्थर पर घिसकर उसे नुकीला बना लेती है। और जब बिगफुट उसके पास दोबारा आता है तो अब एशली उस बोन की मदद से उस पर हमला कर देती है, पर इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बिगफुट उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी उसे उन ड्रम्स की आवाज आने लगती है जो कि वो औरत बजा रही थी। वो इससे समझ जाता है कि कोई उससे लड़ने के लिए आ रहा है, जिसके बाद वो भी एक ट्रैप लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद एशली फौरन अपनी रस्सियां काटना स्टार्ट कर देती है और वहीं पर मरे हुए आदमी के कपड़े और गन लेकर वहां से निकल जाती है। इधर मैक्स और शेरिफ दोनों बिगफुट को ढूंढ रहे थे और इसी दौरान दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। कुछ देर बाद शेरिफ को अपने आसपास कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसके बाद वो फौरन अपनी गन बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि बिगफुट गन पाउडर की स्मेल को सूंघ लेता था, जिस वजह से उसे पता चल जाता है कि शेरिफ कहाँ है और वो उस पर हमला कर देता है। शेरिफ उस पर फौरन गोली चलाता है जो उसे लग भी जाती है, पर गुस्से में बिगफुट शेरिफ को ब्रूटली तरीके से मार देता है। अब मैक्स भी घूमता हुआ वहां पर पहुंच जाता है जो शेरिफ को मरा हुआ देखता है, एंड अब तक बिगफुट भी वहां से जा चुका था, जिसके बाद मैक्स शेरिफ की गन उठा लेता है। अब यहाँ बिगफुट को पहले ही एक गोली लग चुकी थी, इसीलिए मैक्स उसके खून के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी नजर एशली पर पड़ती है जो कि बिगफुट को मारने के लिए उसके पीछे जा रही थी। मैक्स उसे धीरे से आवाज लगाता है और उसे वापस चलने को बोलता है, पर अब एशली बिना बिगफुट को मारे यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो मैक्स को इशारे करते हुए बताती है कि बिगफुट यहाँ है और वो घायल हो चुका है। फिर वो उसी तरफ चली जाती है और उसे शूट कर देती है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। काफी देर भागने के बाद ये दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें बिगफुट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। अब मैक्स डिसाइड करता है कि वो पीछे रहकर बिगफुट से लड़ेगा ताकि एशली को टाइम मिल जाए और वो रोड तक पहुंच जाए। हालांकि वो मैक्स को रोकती है, पर मैक्स उसे अपने बच्चे की खातिर वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद एशली मैक्स को आखिरी गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब मैक्स बिगफुट के पास जाकर उसे कई सारी गोलियां मारता है, लेकिन बिगफुट को इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो अब काफी कमजोर और घायल हो चुका था, पर उसे हराना अब भी काफी मुश्किल था। अब बिगफुट तेजी से भागते हुए मैक्स के पास आता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है, पर तभी मैक्स एक चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो उसकी गिरफ्त से छूट जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पड़े हुए टूटे भाले को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उसका पैर बिगफुट के लगाए गए ट्रैप के अंदर फंस जाता है और अब बिगफुट एक बार फिर से उसे पकड़ लेता है। लेकिन अब मैक्स उस टूटे भाले से उस पर लगातार हमला करता रहता है, जिससे फाइनली अब बिगफुट मर जाता है। पर मैक्स को अभी भी लगता था कि वो जिंदा हो सकता है, इसीलिए वो एक बड़े पत्थर को उठाकर बिगफुट के सिर पर मार देता है और उसके सिर का चूरा कर देता है। दूसरी तरफ एशले भी अब रोड तक पहुंच जाती है एंड फाइनली बच जाती है। अब यहाँ पर मैक्स काफी थक चुका था, इसीलिए वो आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ जाता है, एंड जैसे ही वो उठता है उसे दो एरो आकर लगते हैं, जिसके बाद उसके पास कई सारे बिगफुट आ जाते हैं। यानी कि इस जंगल में एक नहीं कई सारे बिगफुट्स थे। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों की स्पिरिट्स इस जंगल में रह रही थी बिगफुट के रूप में। और बस ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी प्राइमल रेज मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।